एनआईए ने क्रॉस एलओसी ट्रेंड केस में जम्मू कश्मीर में कई स्थानों पर तलाशी ली है। आज एनआईए ने जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और आईटीबीपी की सहायता से जम्मू कश्मीर के पूंछ जिले में 9 स्थानों पर संदिग्ध एलओसी व्यापारियों के परिसर में केस नंबर के संबंध में तलाशी ली है। एनआईए द्वारा यूए अधिनियम 1967 की धारा 17 के तहत 9 दिसंबर 2016 को मामला दर्ज किया था। एलओसी व्यापार वर्ष 2008 में जम्मू कश्मीर और पीओके के बीच विश्वास निर्माण उपाय के एक भाग के रूप में शुरू किया गया था। भारतीय सेना की 26 असम राइफल्स ने बांदीपुरा जिले के परिबल में स्थानीय लोगों और क्षेत्र के गांव के प्रमुख के साथ संवाद सत्र आयोजित किया है। बातचीत में लगभग 50 स्थानीय लोगों और गांव के मुखिया शामिल हुए। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में शांति और प्रगति को बढ़ावा देने के लिए ही किया जा रहा है। आज का जो प्रोग्राम है, हमने हमारा 26 असम राइफल्स बटालियन हेडक्वार्टर पे जितना भी हमारा बटालियन एओआर का सिविल डिग्निटरीज है, यूथ्स है, क्लब का ऑर्गेनाइजर्स है, सेक्रेटरीज है और सरपंचस वगैरह को बुला के भी परेशानी हो रहा है उसको हमने यहाँ पे एक साथ इंटरेक्शन करके डिस्कस करके उनका हाल निकालने के लिए कोशिश किया और उन्होंने भी काफ़ी हमको जो भी उनका ग्रीवेंसेस है उसका क्या करना चाहते हैं, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए सबको बताया और साथ साथ हमारा सीओ साहब और हमारा 26 असम राइफल्स का जितना भी अधिकारी है, ऑफिसर्स है, उन्होंने भी ये उनको प्रॉमिस किया कि जो भी उनका प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्यूशन पक्का देगा। और आखिरी में हमने जो भी इन्वाइटीज आए, जो भी अटेंडीज आए, उनके साथ एक अच्छा लंच प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और लास्ट में जो भी सिविलियंस और गांव वाले आए उन्होंने हमको बहुत शुक्र गुजारी दिया। अंडर 19 टूर्नामेंट साड़ी पट्टन स्टेडियम में आयोजन किया गया जिसमें साड़ी चैंपियन ने फाइनल मैच में साड़ी जूनियर्स को 120 रन से हराया। इससे पहले साड़ी चैंपियन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। विपरीत टीम को 174 रनों का लक्ष्य दिया गया। ग्राउंड पे इस अंडर 19 टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया तो हम सब के लिए पहले एक जोरदार तालियां जिसने भी इस टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस किया। और दोनों में से एक को हारना होता है और एक को जीतना होता है, लेकिन क्रिकेट हमेशा जीतती है और स्पोर्ट्समैनशिप हमेशा जीतती है और फाइनल की हारने वाली भी टीम भी। Kırıyor. Kırıyor. Oh.